दोस्तों, मेरा नाम है हसन रजा और आज आपके खिदमत में हम नई वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्वीडन में अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं और उसके साथ हम आपको अपने घर का विजिट भी करवाएंगे कि हम एज स्टूडेंट किस तरह से रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने हमारा घर है, बिल्कुल सामने हमारा घर है और उसके साथ ही बिल्कुल हमारे घर के साथ ही एक पार्क है, तो हम अक्सर वहाँ पर भी चले जाया करते हैं। तो आइए आपको घर का विजिट करवाते हैं। कैसा घर है जिस एंट्री से पिछू हो जाते हैं? असल में बैक यार्ड यूज़ करते हैं हम, फ्रंट से यूज़ नहीं करते। तो हम बैक यार्ड से ही जाएंगे। सो दिस इज़ आवर बैक यार्ड और यहाँ पे हम सर जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो धूप वगैरह होती थी तो हम बड़ा यहाँ पे इंजॉय करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ठंड हो रही है तो अब हम आगे चलते हैं। आगे ये हमारे पास दो साइकिलें हैं, हम अक्सर यूज़ करते हैं इनको कभी भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए या कहीं भी हमने जाना हो तो हम वहाँ चल जाते हैं। आइए वेलकम। तो राइट साइड पे आएंगे तो बिल्कुल साथ ही हमें किचन मिलता है, तो काफ़ी खूबसूरत किचन है और हर यूटिलिटी हमें इसके साथ ही मिली है, जो हमें खरीदा है उसके साथ ही यूटिलिटी मिली है। और लेफ्ट साइड पे एक रूम है, यहाँ पे हमारे एक दोस्त रहते हैं तो वो इस टाइम सो रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, चार छः लोग हैं, हम मिल के बैठ के खाना खाते हैं। तो इसके साथ ही हमें कबर्ड वगैरह मिल जाती हैं तो इसमें हमने सामान वगैरह अपना रखा हुआ है। तो एक और रूम है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो ये इस तरह से एज ए स्टूडेंट लाइफ जो हम रहते हैं। तो पर पर्सन ये क्योंकि बड़ा रूम है तो हम दो बंदे यहाँ पे रहते हैं, वरना हम सारे सिंगल सिंगल रहते हैं। और इधर से एक और आ गया है तो एक और रूम हमें आप मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे मोहसिन सपरा साहब रहते हैं इस रूम में और ये उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, तो वो अक्सर उनका जो है ना काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो काम अपना करते रहते हैं। और ये हमारा बाहर से व्यू आता है, तो कभी हम बड़ा अच्छा फील करता है ये इस तरह से देख। और हर रूम की अपनी एक कवर्ड है तो वहाँ पे हम अपना सामान, हर बंदे ने अपना सामान लेदर से रखा हुआ है। इस तरफ ये मेन डोर है लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते, हम बैक साइड से ही यूज़ करते हैं। और ये साथ एक वॉशरूम है। ये स्टोर रूम है, यहाँ पे हम अपने सामान रखते हैं, ये जैसे वैक्यूम हमने रखा हुआ है, टायर रखा हुआ है और इस तरह कबर्ड है, इसमें हमने अपना सामान रखा हुआ है। तो ये हमारा फुल वॉशरूम है। तो ये वॉशरूम हम जब आए तो ये इसमें बड़े फीचर्स हैं, तो ये बाथ टब है और ये टॉवल हैंग करने के लिए है। ये असल में गर्म भी हो जाता है अगर टॉवल गीला हो तो फिर उसको सुखाने के लिए, क्योंकि स्वीडन में तो धूप बहुत कम निकलती है, तो ये इस तरह के नए तरीके रखे हैं। और ये फर्श जो है, फर्श भी गर्म हो जाता है, इसके ऑन करते हैं हीटिंग सिस्टम और ये फर्श भी गर्म हो जाता है। और बिल्कुल इसके सामने ये बटन है, ये मैंने ऑन किया है तो अब नीचे से ये फ्लोर जो है ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा, तो ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम है। अच्छा ये जी
बात मिरर है, यहाँ पे हम अक्सर शेव वगैरह करनी हो या अक्सर हम बल्कि खुद आपस में ही बाल वगैरह भी काट लेते हैं एक दूसरे के, तो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें वो भी खुद से करना पड़ता है, तो वो हम कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ही ये सुहाना सिस्टम रखा हुआ है, ये हम ऑन करेंगे तो सुहाना अंदर से ऑन हो जाएगा। ये जी सुहाना हम यूज़ करते रहते हैं अक्सर, तो ये क्योंकि एक सुहाना इस यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे पसीना नहीं आता, तो जब नमक वगैरह हम खाते हैं तो जो है ना उसमें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पसीना आए, वो हम बाहर निकले, तो इसके लिए सुहाना यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये है, ये यहाँ पे हम पोशा और हम यूज़ करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं अपनी लॉन्ड्री की तरफ। अच्छा, इससे पहले ये हॉर्स शू इन्होंने लगाया हुआ है, ये मेरे से लकी चाम के लिए यूज़ करते हैं स्वीडिश लोग, तो इन्होंने ये लगाया हुआ है। हम जब आए थे हम भी बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान वाले काम यहाँ पे भी होते हैं। तो आइए लॉन्ड्री दिखाते हैं आपको। तो ये है लॉन्ड्री सिस्टम हमारा, यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें पड़ी हुई हैं, ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे हम वॉशिंग करते हैं, यहाँ पे मतलब पाउडर वगैरह डाल के तो इसको बंद करते हैं, ये जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम ये सुखाने वाली मशीन है, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कपड़ों को इस्त्री भी कर देते हैं, इसके अंदर ही ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा फ्रीज़र पड़ा हुआ है यहाँ पे, फ्रिज हमारे अंदर चाहिए किचन में ही थी लेकिन फ्रीज़र लैदर से है, तो फ्रीज़र हमें ये लैदर से भी मिला हुआ है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा गैराज है, तो इसकी लाइट यहाँ पे हमने वो कटिंग बाहर घास काटने के लिए मशीनी वगैरह हमें दी हुई है, वो भी हमने करनी होती है हर 2 वीक्स के बाद, तो ये वो मशीन है जो हम, तो इसके अलावा एक गैराज है, यहाँ से हम गाड़ी भी अंदर ला सकते हैं, लेकिन हम सामान रखा हुआ हमने सारा, तो हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये था जी हमारा होम टूर, तो इसके बाद आपको बताते हैं कि आप ये अकोमोडेशन यहाँ पे ले कैसे सकते हैं, तो उसके लिए आपको मोहसिन सबरा साहब बताएंगे कि आप यहाँ पे अकोमोडेशन किस तरह से ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हसन भाई ने आपको हमारे घर का टूर करवाया, तो उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली हैं, तो अगर कुछ चीज़ रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रह के जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वहां से बैठ के स्वीडन के अंदर आप अकोमोडेशन कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेस शायद नज़र ना आ रही हो, या फिर अगर उसके अंदर कुछ चीज़ नज़र आ भी रही है तो वो पाकिस्तान की होगी। आपने सबसे पहले उसके अंदर इसकी लोकेशन को चेंज कर लेना है, स्वीडन सेट कर लेनी है, या वो शहर सेलेक्ट कर लेना है स्वीडन का जहाँ पर आप जा रहे हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने रेंटल अपार्टमेंट्स सर्च करना है, तो आपको जितने भी अपार्टमेंट्स जो रेंट होने के लिए पोस्ट किए गए हैं वो आपको लिस्ट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस बंदे से चैट करनी है, उसके साथ नेगोशिएट करना है और उस अपार्टमेंट को फाइनलाइज कर लेना है। मोस्टली जब हम भी आ रहे थे तो हमें थोड़ा सा डर था कि हम शायद इसके साथ फाइनलाइज कर लें, इसको पैसे भेज दें तो ये भाग नहीं जाएगा, लेकिन स्वीडिश का सिस्टम ऐसा स्ट्रांग है कि आप अगर बंदे को पैसे दे देते हैं किसी अकाउंट के थ्रू, अपने किसी जानने वाले के थ्रू, तो ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि आपने डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट से मुकर नहीं सकते। उसके बाद फेसबुक का एक और ऑप्शन है, वो है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स लिस्टेड होते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं,
फॉर इंस्टेंस आप अगर आ रहे हैं कार्लोस कोरोना या किसी और सिटी में, तो हर एक सिटी का अलग अलग से फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके अंदर ऑलरेडी डिफरेंट अपार्टमेंट्स रूम्स वगैरह लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको कोई आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिलता तो आप वहाँ पे एक कस्टम पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं और कोई ना कोई बंदा आपसे रब्ता कर लेगा। और इस कस्टम मैसेज की जो टेम्पलेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, अपना रूम्स वगैरह आप रेंज वगैरह चेंज कर लीजिएगा और बाकी सारे का सारा आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो जो तीसरी वेबसाइट है वो है sbs.sc। SBS एक रजिस्टर्ड कंपनी है स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्वीडन में पढ़ने के लिए आते हैं SBS उनको अकोमोडेट करती है यहाँ पर रहने के लिए। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके इनका एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस दीजिए, अपना नाम, वो आपका नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट वो अपलोड करिए, तो ये लोग आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। या इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इनकी एक ईमेल है info@sbs.sc, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, तो आप उनको मेल सेंड कर सकते हैं। उस मेल का जो टेम्पलेट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और उनको भेज दीजिएगा। उसके थोड़े अरसे के बाद, थोड़ा टाइम के बाद, वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे कुछ और डिटेल्स मांगेंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप इसका जो रेंट है वो पे करें। पाकिस्तान में रह के मोस्टली लोग डरे होते हैं कि अगर पैसे दे दिए तो कहीं पे ये पैसे चले ना जाएं, फ्रॉड ना हो जाए, तो आप डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करें SBS के साथ और इनको पैसे दे दें। ये लोग बिल्कुल भाग नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड कंपनी है। ये लोग स्टूडेंट्स को ऑफिशियली अकोमोडेट करते हैं जब वो स्वीडन के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। जो तीसरी वेबसाइट है वो है ब्लॉकेट। ब्लॉकेट को मैंने सबसे एंड पे इसलिए रखा क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं इसके ऊपर वो आपको जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा लेट करते हैं। आप ब्लॉकेट के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, जिस तरह से आप फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, इसके ऊपर आपने बेसिक डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल सेट करनी है और आपको एक लिस्ट नज़र आने लग जाएगी। आप उस लिस्ट के अंदर से अपनी रेंज और अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो वेबसाइट आती है वो है कार्लोस कोरोना है। ये स्पेसिफिकली जो लोग कार्लोस कोरोना में BTH के अंदर आते हैं ये उनके लिए है। ये आप पाकिस्तान में रह के इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको पर्सनल नंबर चाहिए होगा। आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये लोग आपको दोबारा से लॉगिन नहीं होने देंगे। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को फ़ोन करें या कोई आपका जानने वाला अगर यहाँ पे पढ़ रहा है तो आप उसको बोलें, वो आपके लिए carloscoronahem.sc जो वेबसाइट है उसके ऊपर किसी अपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट शो करेगा तो फिर वो क्यू में लग जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद जब आपका नंबर आएगा क्यू के अंदर तो फिर ये लोग आपको कॉल करेंगे व्यूइंग के लिए। आप फिर उस बंदे को ही भेज दें, वो आके एक दफ़ा व्यू कर ले और वो आपको उस अपार्टमेंट की वीडियो भेज दे। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको फाइनलाइज कर लें। वो बंदा ही वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहाँ पे वो ऑप्शन आया होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप इस अपार्टमेंट के लिए विलिंग हैं, आप उसको यस करेंगे तो फिर आपसे कुछ और फर्दर डिटेल्स मांगेंगे, जिस तरह से आपकी बैंक ID और कुछ और डिटेल्स। जब आप या आपका दोस्त इसको फाइनलाइज कर लेगा तो फिर ये आपके नाम पे या फिर आपके दोस्त के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो आपको इस यहाँ पे कार्लोस कोरोना के अंदर आपको जो है कोई रूम या अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो जी, आपने अभी हमारे घर का टूर देख लिया और पाकिस्तान से बैठ के स्वीडन के अंदर अकोमोडेशन बुक कैसे कर सकते हैं वो देख ली। जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो है प्राइसिंग। तो हम जो इस विला का जो रेंट दे रहे हैं वो पर पर्सन के लिहाज से है। इंडिविजुअल एक बंदा 3,000 रुपया पे कर रहा है, इसके अंदर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, पानी है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है और आल्सो हीटिंग सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड है। स्वीडन के अंदर जो एवरेज रेट चल रहा है स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन का वो 2500 से 3500 के बीच में है। तो अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो 3500 से 4500 तक जंप कर सकती है। ये जो रेंट है ये आपकी लोकेशन और नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रूम के अंदर दो बंदे यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे कम्यून ने, जो इनकी यूनियन काउंसिल है या कमेटी है जो इन सारे हाउसेस को मैनेज करती है, वो हर एक रूम के ऊपर सिर्फ दो बंदों के पर्सनल नंबर अप्लाई करने का अलाउ करती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ रह गई हो, हमारे से मिस हो गई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।